वेल गाइज, तो फाइनली AEW के इस हफ्ते कोलिजन का मेन इवेंट ओवर हो चुका है। और गाइज, आज यहां पर AEW कोलिजन के मेन इवेंट के ऊपर रेटेड आर सुपरस्टार AJA AKA एडम कोपलैंड कोलिजन पर उनका डेब्यू करते गए, जहां पर आज कोलिजन के मेन इवेंट के ऊपर एडम कोपलैंड उनका प्रोमो कट करते गए और वो यहां पर क्रिश्चियन के साथ उनके राइवलरी को लेकर बात करते गए, जहां पर एडम कोपलैंड ये कहते गए कि उन्होंने जिस तरीके से AEW डायनामाइट का एंडिंग सोचा था, उस तरीके से इस हफ्ते डायनामाइट एंड नहीं हुआ है। और इस चीज को लेकर एडम कोपलैंड काफी नाराज है, क्योंकि गाइज एडम कोपलैंड को यह लगा था कि वो यहां पर AEW में आके क्रिश्चियन केज के साथ टैग टीम रन लेंगे, बट गाइज यहां पर लगता है क्रिश्चियन कुछ और ही चाहते गए। और अगर यहां पर क्रिश्चियन एडम कोपलैंड को फेस करना चाहते गए तो क्रिश्चियन यहां पर इस चीज के लिए भी पूरी तरह से तैयार रहे, क्योंकि गाइज अब यहां पर एज क्रिश्चियन को बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। और गाइज इसके बाद कोलिजन शो के ऊपर एज यहां पर क्रिश्चियन को कॉल आउट करते गए, बट गाइज यहां पर क्रिश्चियन की जगह लुशा सुरस और निक वेन अरीना में अराइव होते गए, जहां पर ये दोनों आज एक साथ मिलके एडम कोपलैंड के ऊपर अटैक कर देते गए। और लुचा सोल के मल्टीपल चोक स्लैम के बाद लुचा सुरस और निक वेन इसमें डोमिनेट कर ही रहे होते गए, तभी यहां पर डार्बी एलन अरीना में अराइव होते गए, जहां पर डार्बी एलन के मल्टीपल चेयर स्ट्राइक के बाद डार्बी एलन लुचा सुरस को रिंग के बाहर फेंक देते गए। और इसके बाद यहां पर एज के स्पीयर के साथ एज यहां पर निक वेन को रिंग के बाहर फेंक देते गए। और AEW के कोलिजन शो के ऊपर आज यहां पर डार्बी एलन एज को सेव कर लेते गए।